सब्सक्राइब माधव रिपब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बताएंगे अपने छात्रों को गणतंत्र दिवस के बारे में कि अगर आप अपने विद्यालय में रिपब्लिक डे के अवसर पर स्पीच से शुरुआत कर रहे हो और आपको बोलने का मौका मिला हो तो एक सुनियोजित स्पीच कैसी हो। आइए जानते हैं कि आप स्पीच में क्या बातें बोल सकते हैं। मंच पर पहुंचकर आप सबसे पहले तो सभा में उपस्थित सभी लोगों का अभिवादन करें, अपना परिचय दें, अपना नाम तथा आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं यह बताएं। अपने स्वयं के स्कूल के अलावा यदि किसी अन्य आयोजन में बोल रहे हैं तो अपने विद्यालय का भी नाम बताएं। सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दें। अपनी क्लास टीचर व प्रिंसिपल या आयोजनकर्ता का धन्यवाद करें जिन्होंने इस महान अवसर पर आपको मंच पर आकर अपने देश के बारे में कुछ बोलने का मौका दिया है। इसके बाद आप अपनी स्पीच कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं। आज हम सभी यहाँ बेहद खास अवसर पर 71वां गणतंत्र दिवस मनाने इकट्ठा हुए हैं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। यह दिवस हर भारतीयों का अभिमान है। अनगिनत लोगों की कुर्बानी के बाद भारत माँ को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, लेकिन उसे स्वतंत्रता का आकार 26 जनवरी 1950 को मिला क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों की सर्वोच्च शक्ति और सही दिशा में देश के नेतृत्व के लिए राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए केवल जनता के पास अधिकार है। इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है जहां आम जनता अपना नेता प्रधानमंत्री के रूप में चुनती है। भारत में पूर्ण स्वराज के लिए हमारे महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी को कोई संघर्ष न करना पड़े और हम देश को आगे लेकर जा सके। हमारे देश के महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री आदि हैं। भारत को एक आज़ाद देश बनाने के लिए इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी। अपने देश के लिए हम इनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकते हैं। हमें ऐसे महान अवसरों पर इन्हें याद करते हुए सलामी देनी चाहिए। केवल इन लोगों की वजह से ये मुमकिन हुआ कि हम अपने दिमाग से सोच सकते हैं और बिना किसी दबाव के अपने राष्ट्र में मुक्त होकर रह सकते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर एक देश भ्रष्टाचार मुक्त होता है तो सुंदर मस्तिष्क का एक राष्ट्र होता है। उनका मानना था कि 3 प्रधान सदस्य हैं जो अंतर पैदा कर सकते हैं, वे हैं माता, पिता और एक गुरु। भारत के एक नागरिक के रूप में हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी मुमकिन प्रयास करने चाहिए। हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए तथा सामाजिक मुद्दों जैसे गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग और असमानता आदि से अवगत रहना चाहिए एवं अपने स्तर पर योगदान देना चाहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है, फिर राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। सन 1957 में सरकार ने
बच्चों के लिए राष्ट्रीय बहादुरी पुरस्कार शुरू किया था। बहादुरी पुरस्कार 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अलग अलग क्षेत्रों में बहादुरी के लिए दिया जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र और कीर्ति चक्र जैसे महत्वपूर्ण सम्मान दिए जाते हैं। इसके बाद हमारी सेना अपना शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च करती है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलेंगे हम एक अगले एपिसोड में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।